आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ सिंगापुर फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने 2 कप उबले हुए चावल लिए हैं जो हमने उबाल रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, इनमें ठंडे चावल ही चलते हैं, अगर हम गर्म डालेंगे तो चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, और साथ में मैंने लिए हैं 2 छोटे प्याज मीडियम जो होते हैं छोटे, उनको लंबे लंबे डाइसेस में कर लिया है। 1 शिमला मिर्च को मैंने लंबे डाइसेस में कर लिया है। ठीक है, 1 छोटे टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च को ऐसे स्लाइस में काट लिया है, और 4 से 5 कलियां लहसुन की थी उनको बारीक काट लिया है। और उसके लिए मैंने पिज्जा पास्ता सॉस है वो डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी टमाटो केचप पड़ी है वो डाल दीजिए आप। ठीक है, साथ में ये चिली सॉस है ये डालूंगी मैं। ठीक है, और इटालियन हर्ब डाल दूंगी, आपके पास जो भी हर्ब है वो आप वो डाल दीजिए, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और नमक मिर्च हम अपने हिसाब से डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लहसुन। तेल डाल दिया आपने इसमें? हाँ, तेल में 2 चम्मच ऑलरेडी डाल के गर्म कर दिया है। ठीक है, तेल कौन सा यूज करें? वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज करते हैं वही करिए आप, चाहे तो सरसों का भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में हम हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन को ज्यादा पकाना नहीं है। ठीक है, लाल नहीं करना हमने। और अब मैं डाल दूंगी प्याज। ठीक है, प्याज को थोड़ा सोटे होने देंगे, फिर मैं डालूंगी शिमला मिर्च। प्याज थोड़ी सोटे हो गई, अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ उसमें जो डाइसेस करी हुई है। अब इनको 2 मिनट हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, हल्के से क्रंची टेस्ट देना है हमने। शिमला मिर्च प्याज थोड़े हमारे पक गए हैं, तो अब मैं इसमें टमाटर जो छोटे छोटे डाइस किए थे वो डाल दूंगी, और टमाटर डालते ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए। नमक मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि टमाटो केचप में भी नमक होता है और चिली सॉस में भी नमक है, थोड़ा चावलों में भी नमक है। 1 मिनट पकाने के बाद हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच से भी कम। एक चम्मच डालूंगी मैं चिली सॉस। कितने चम्मच डाल रहे हो आप? 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं। ठीक है, आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप वो डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही डालूंगी मैं पिज्जा पास्ता सॉस डालूंगी। ठीक है, मतलब 1 चम्मच दूसरे वाली सॉस ग्रीन चिली और 1 चम्मच पिज्जा पास्ता सॉस। हमारे पास रेड चिली सॉस भी हमने वो डाल लिया, अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन डाल लें। 1/4 चम्मच डालूंगी मैं इटालियन हर्ब। ठीक है, आप अजीनोमोटो बिल्कुल भी ना डालें भूल कर, इसमें इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ओके, मतलब अजीनोमोटो नहीं डालना। ठीक है, मतलब ये हर्ब्स डाल सकते हैं? हाँ, हर्ब्स आप कुछ भी डाल लें आप। ठीक है, इसको कितनी देर पकाना है? बस 1 मिनट पका के हम चावल मिला देंगे। ठीक है, याद रखें कि चावल आपके दिन भर सुबह के उबले होने चाहिए या शाम के बचे हुए चावल, वो काम आएंगे। ठीक है, अगर फ्रेश उबाल के डालेंगे तो साथ में चिपक जाएंगे और टेस्ट नहीं आएगा आपको अच्छा। ओके, चावलों को बिल्कुल आराम से मिलाएं ताकि चावल टूटे भी नहीं और अच्छे से मिल भी जाए। 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तो कि ठंडे चावल है थोड़ा पक जाए, गर्म हो जाए। तो हमारे ये सिंगापुरी फ्राइड राइस तैयार है। अब मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ, और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कलर और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें। तो हमारा सिंगापुरी फ्राइड राइस तैयार है, अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये हमारे सिंगापुरी फ्राइड राइस बन के तैयार हैं, और आप इसे किसी टाइम भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे डिनर या लंच में खाएं, आप इसे बना के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। जो राइस हमारे बच जाते हैं अमूमन क्या करते हैं, हम नेक्स्ट डे काम में ले सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया वे आउट है कि आप बचे हुए राइस को इस तरह से यूज़ करें, और एक अलग तरीके से हमने इसको जैसे एक नया लुक दिया है सिंगापुरी फ्राइड राइस करके। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आपको पूरी रेसिपी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।